धामपुर में तहसीलदार की गाड़ी चालक नदीम के खाते में 21 लाख रुपए की धनराशि मिल जाने से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। 2 साल में 21 लाख के लेन देन का खुलासा होने से विभागीय अधिकारियों के होश उड़ गए। जिसके बाद छानबीन शुरू की गई तो तहसीलदार के ड्राइवर नदीम का काला चिट्ठा सामने आया। नदीम कई वर्षों से क्षेत्र के खनन माफियाओं से अवैध उगाही कर अपनी पत्नी के खाते में रकम जमा कर रहा था, जिसके बाद तहसीलदार के ड्राइवर को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि इन दिनों धामपुर थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन पर जब प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हुई तो खनन से भरे डंपर सीज होने पर खनन माफिया आग बबूला हो गए और अधिकारियों से गाड़ी सीज करने का कारण पूछा तो अधिकारियों ने साफ इनकार कर दिया कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी कीमत पर नहीं होगा। गाड़ी सीज होता देख खनन माफियाओं ने अधिकारियों से तहसीलदार के ड्राइवर को मोटी रकम देने की बात को बोले। तहसीलदार का ड्राइवर कई वर्षों से क्षेत्र के खनन माफियाओं से अवैध उगाही कर मोटी रकम हड़प रहा था। इतना ही नहीं, तहसीलदार के ड्राइवर नदीम खनन माफियाओं के लिए मुखबिरी कर रहा था। अधिकारी जब खनन पर छापेमारी कार्यवाही करने की तैयारी में लगते तो नदीम पहले खनन माफियाओं को सूचित कर देता था। अचानक नदीम की पत्नी के खाते में 21 लाख की लेन देन का खुलासा होने से प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ गए, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से नदीम का काला चिट्ठा सामने आने के बाद नदीम को निलंबित कर दिया गया है और मामले में बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। तो साहब नहीं होंगे वो ना उनके चेले होंगे। मैं यार चेले क्यों रोकेंगे यार, ऐसे कैसे कोई गाड़ी रोक देगा। ना उनके चेलों ने रोकी होगी। नदीम हर महीने आपसे चेक से लेता है पैसे? हाँ जी अकाउंट से पैसे लेता है सर। गूगल पे अकाउंट? हाँ जी अकाउंट पे, गूगल पे सर, अकाउंट पे सब गाड़ियों के जितनों के नाम। सारा पैसा उसकी बीबी के नाम ही ट्रांसफर? बीबी का नाम और उसका दोनों का अकाउंट ज्वाइंट है, साना नदीम। अच्छा, किसी अकाउंट में डालवा? PNB, एक तो PNB हो गया, दूसरा सर फोन पे करवाता अपने नंबर पे। अपने नंबर पे कौन? किसी और का नंबर है दे रखा, उसने फोन पे भी करवाता, वो भेजा होगा लड़के ने, ड्राइवर ने, मैंने उसे स्क्रीनशॉट भिजवाया था। धामपुर तहसीलदार के ड्राइवर नदीम का एक प्रकरण चल रहा है और वीडियो वायरल हुई है, खनन माफियाओं से लेन देन, क्या मामला है? 15-20 दिन से पहले हम लोग का एक अभियान चल रहा है विशेष रूप से, जो आपके हमारे अवैध रूप से खनन हो रहे हैं और जो गाड़ियाँ जाती हैं ओवरलोडिंग वाली, उसमें हम लोगों ने 15-20 दिन से एक अभियान चला रखा था, जिसके क्रम में तहसीलदार धामपुर द्वारा कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई थी और उनको हम लोगों ने कार्रवाई के लिए DM साहब को ले दिया था। उसमें कुछ उस समय तहसीलदार साहब ने बताया था कि कुछ इसमें हमारे कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है, तो तहसीलदार धामपुर को निर्देशित किया गया था इस प्रकरण की जाँच कर ले। उनके द्वारा जाँच की गई, साक्षी एकत्रित किए गए, उसमें तहसीलदार साहब जो हैं उनके ड्राइवर का नाम आ रहा था। उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट बना के मुझे सबमिट की थी सोमवार को, उसको हम लोगों ने परीक्षण करने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी।